हे दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वीर एंड मामा। और आज मैं आपको नारियल के लड्डू की रेसिपी शेयर करूंगी। कम सामानों से हम घर पे ही नारियल के लड्डू बना के तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने ये ताज़े नारियल ले लिए। अब इसको हम ग्रेट कर लेंगे पतले वाले ग्रेटर से। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करें। और ये मैंने सारे नारियल को ग्रेट कर लिया है। अब मैं इधर एक पैन चढ़ा दी हूँ। पैन गरम हो गया है। अब इसमें मैं 2 चम्मच घी डाल दूँगी। घी को गरम होने देंगे। घी अब गरम हो गई है। अब इसमें हम ये ग्रेट किया हुआ नारियल डाल देंगे और गैस की फ्लेम हम लो रखेंगे। लो फ्लेम पे इसको हम भूनेंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, हमें इसकी मॉइस्चर ख़त्म होने तक भूनेंगे। ये देखिए, इसका कलर अब हल्का हल्का चेंज हो गया है। अब मैं इसमें 1 कप दूध डाल दूँगी। मैंने मलाई सहित ही दूध डाल दिया है। आप चाहो तो मलाई हो तो डालो, नहीं तो ऐसे ही नॉर्मल दूध डाल सकते हैं। साथ ही साथ मैंने ये 5 बड़ी चम्मच चीनी डाल दिया है। अब इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हम मीडियम रख सकते हैं। ये देखिए, चीनी अब घुल गई है अच्छे से। अब इसको हम ड्राई होने तक पकाएंगे। अब इसमें हम मिल्क पाउडर डालेंगे। ये मावा भी आप डाल सकते हैं, ये मावा का काम करता है। और इसको हम 2-3 मिनट चला के, ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है। अब हम 2 मिनट चला के इसको बंद कर देंगे और इसको हम प्लेट में निकाल के हल्का ठंडा कर लेते हैं। अब इसको हम छोटी छोटी लड्डू बना लेंगे इसे। ये देखिए, कितनी अच्छी लड्डू बन के तैयार हो रही है। और ये खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगती है। और नारियल का लड्डू तो सबको पसंद आता है। एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये देखिए, मैंने सारे लड्डू बना के तैयार कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।